A very good evening to one and all. I'm Dr. Nehal Agarwal, and on the behalf of Department of Nephrology, AIMS, I would like to extend a warm welcome to all our distinguished guests and the valuable audience on the occasion of World Kidney Day 2022. We gather here today to celebrate and propagate this universal campaign, which aims to create awareness among the general public, as well as the treating medical, medical fraternity about the increasing burden of kidney diseases, globally, as well as in our country. And the need for various strategies to counter the kidney diseases and prevent them and manage them. Now, I would like to welcome Dr. S. K. Agarwal, Sir, Head and Professor, Department of Nephrology, AIMS, to the dais to address our audience as well as welcome our chief guest for today, Dr. Randeep golaria Sir, Director, AIMS.

लॉट ऑफ थिंगस है टुडे इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट डे आज का दिन जो हम है वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू तो इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट किडनी डिसऑर्डर्स इट इज़ ऑफन नेग्लेक्टेड एंड ये माना जाता है कि हमारे देश में भी और दुनिया में भी जो गुर्दे की बीमारियाँ हैं वो बढ़ रही हैं एंड वेरी ऑफन दे आर प्रिवेंटेबल सम ऑफ देम आर कॉन्ट्रीब्यूटेड और मोस्ट ऑफ दम लार्ज एक्सटेंट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई फैक्टर्स विच आर प्रिवेंटेबल डायबिटीज हाइपरटेंशन यूनीट्रैक इन्फेक्शन तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों में कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें किडनी की प्रॉब्लम ना हो और अगर है भी तो हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि वो आगे ना बढ़े टू व्हाट वी कॉल एंड स्टेज की डिजीज जिसमें डायलिसिस की और ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती तो इस बारे में बहुत जरूरी है कि सब लोग एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें लोगों में अवेयरनेस हो कि हमारी किडनीज हैं हाउ कैन वी हैव हेल्दी किडनीज एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट ने शुरू किया है ऑन वर्ल्ड किडनी डे एंड इन द मॉर्निंग दे हैड कोलेब्रेशन विद द कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस यू हैव अ वेरी गुड सेट ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम नॉट ओनली

पिछले पंद्रह सोलह साल से मना रहे किडनी डिजीज जितनी और हार्ट अटैक या लकवा या कैंसर इसके बारे में जितनी नॉलेज जनरल पब्लिक को होती है उसके मुकाबले में किडनी डिजीज के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती है उसका नतीजा ये अभी भी हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत एडवांस स्टेज ऑफ किडनी डिजीज में फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आते हैं जबकि उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत कम समय होता है और बहुत ज़्यादा कुछ करा नहीं जा सकता यह मैं मालूम है कि इसका बहुत एडवांस स्टेज में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट इलाज है लेकिन वो इतना महंगा है और उसकी अवेलेबिलिटी इतनी कम है कि जितने लोगों को ज़रूरत पड़ती है उससे बहुत कम लोगों को ही ये इलाज संभव हो पाता है आज के समय में इंडिया में करीब चार लाख लोगों के आसपास डायलिसिस या ट्रांसप्लांट किसी टाइम पे ज़रूरत पड़ती है लेकिन अगर आप ट्रांसप्लांट देखें तो वो 9000-10000 लोगों को ही मिल पाता है तो हमारा मेन एम इस टाइप के प्रोग्राम करने का ये है कि ताकि किडनी डिजीज़ को जो लोग रिस्क पे होते हैं कि किडनी डिजीज़ होने की उम्मीद ज़्यादा होती है उनको पहले से प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि किडनी डिज़ीज़ ना हो और अगर होती है तो उसकी डायग्नोसिस पहले करी जा सके ताकि उसको और आगे बढ़ने से रोका जा सके ताकि ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की ज़रूरत ही ना पड़े तो इस बारे में आप लोगों को आपका आपका स्वागत है इसमें यहाँ पे हमारे साथ के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको किडनी डिजीज़ के बारे में बताएंगे और कुछ कंपोनेंट डायलिसिस और ट्रांसप्लान के बारे में भी बताएंगे बट बत हम फिर कहना चाहेंगे कि हमारी कोशिश यही है कि आप किडनी डिजीज़ को बचाने का प्रयास हो ताकि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका फिर से वेलकम करते हैं और आपको आगे आने वाले तीस चालीस मिनट में इसके बारे में और जानकारी देंगे थैंक यू सो मच सर फॉर एड्रेसिंग बिगिन द प्रोग्राम आई टू रिक्वेस्ट All the attendees via the online link to put in the questions and comments in the live chat or comment option. Uh, and we will take up the questions in the end Q&A session. Now I would like to call upon Dr. D. Bohmik Sir on the da dais, Professor, Department of Nephrology, AIMS for a session on chronic kidney disease, which is a major public health burden today. नमस्कार इस अवसर पर हमें बहुत खुशी है कि इतने लोग आ पाए हैं और मैं अभी आपको गुड़दे के बारे में और क्रॉनिक के बारे में कुछ बताऊंगा और आपको जो सवाल है और अंत में हम जरूर उसका प्रश्न का जवाब देंगे दो गुर्दे होते हैं और ये बीन्स के आकार के हैं रीढ़ के हड्डी के दोनों बाजू में हैं बिल्कुल बैलेंस बनाया रखता है दोनों गुर्दे शरीर के बीच में है और इनका काम काज भी वैसे ही है ताकि शरीर का संतुलन बना रहे ये जो आप चित्र देख रहे हैं अमेजिंग किडनी हमारा फर्स्ट वर्ल्ड किडनी डे का ये लोगो था लोगों को बताने के लिए किडनी इज़ एन अमेजिंग ऑर्गन बिकॉज 24 घंटे में ऑलमोस्ट इसमें ना 200 लीटर खून का सर्कुलेशन होता है इट इज़ नॉट वैसे तो हमारे शरीर में पाँच लीटर खून है लेकिन उसका सर्कुलेशन घूमते रहता है और उसको दो सौ लीटर ब्लड को प्योरीफाई करना किडनी का काम है और उसके माध्यम से अप्रोक्सिमेटी दो लीटर पेशाब निकलता है बट ये जानना जरूरी है कि किडनी ऐसा एक अद्भुत ऑर्गन है कि अगर किसी ने कम पानी पिया तो 400 सौ पेशाब से भी काम चल जाएगा अगर किसी ने दस लीटर पानी पिया तो दस लीटर पेशाब निकालेगा ताकि शरीर में कोई ज़्यादा पानी ना हो न तो ऐसा हो कि शरीर में कम पड़ जाए प्लस खून में यूरिया क्रिएटिनिन जो नशीले पदार्थ हैं सोडियम पोटेशियम इन सब का संतुलन बनाया रखना किडनी का काम है बॉडी में जो एसिड बनता है इस एसिड को भी हमारा किडनी बाइकार्ब में परिवर्तन करके हमारा बॉडी में संतुलन बनाया करता है सो so, ये तो बेसिक काम हो गया कि यूरिन में सब नशीले पदार्थ निकाले जाए ये तो फिर भी सबको पता है लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो किडनी है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में उसका बहुत तो इम्पोर्टेंट रोल है किडनी में कुछ हॉर्मोन्स ऐसे बनते हैं ताकि सही वक्त पे अगर बीपी कम हो जाए तो बीपी बढ़ाया जा सकता है अगर बीपी ज़्यादा है तो उसको कम किया जा सकता है बी कंट्रोल का किडनी का वेरी इम्पोर्टेंट रोल है दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है खून का जो हीमोग्लोबिन है जो हमारा लाल खून रहता है वो बनाए रखना किडनी का काम है ये खून बनता तो हड्डी में है लेकिन किडनी मेनली और कुछ तौर तो पर लिवर में एक ऐसा हार्मोन तैयार होता है जो हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं और इस एरिथ्रोपोइटिन के माध्यम से हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल रेगुलेट होता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर गुर्दे का बीमारी हो क्रॉनिक बीमारी हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा इन एडिशन एक और फंक्शन जो है वो हड्डियों को मजबूत रखना उसके लिए भी एक हार्मोन हमारे किडनी में बनता है ताकि हमारा हड्डियाँ स्वस्थ रहे तो आपने देखा कि गुर्दे का बहुत इम्पोर्टेंट रोल ब्लड प्योरीफिकेशन ब्लड प्रेशर कंट्रोल हीमोग्लोबिन मेंटेनेंस और बोन स्ट्रेंथ ये चारों फंक्शन किडनी के द्वारा किया जाता है तो गुर्दे का बीमारी वैसे देखा जाए तो बहुत तरीके के हैं मैंने वैसे यहाँ पे सिर्फ चार ही लिखा है तो एक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो ज़्यादातौर तो पर बच्चों में देखा जाता है लेकिन एडल्ट्स एडल्ट भी में होता है उसमें बेसिकली मैं दिखाऊंगा बाद में फिल्टर से प्रोटीन लीकेज होने की वजह से बॉडी में सूजन आ जाता है ट्रिटेबल condition, कंडीशन है मोस्ट कंडीशन ट्रीटेबल फिर यूनिट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई काफ़ी कॉमन है अक्यूट किडनी इंजरी तब होगा जब बहुत ब्लीडिंग हो गया या उल्टियाँ हो गए दस्त लग है या इन्फेक्शन हो गया तब अचानक किडनी बंद पड़ जाता है तो उसको सपोर्ट देना पड़ता है लेकिन आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में जो स्लो डिजीज़ है और सालों साल चलता रहता है और बाद में पता चलता है एंड ऑलमोस्ट ग्यारह बारह लोग ऐसे भी कहते हैं चौदह प्रतिशत लोगों आम जनता में बीमारी है लेकिन पता नहीं है हमें तो ये जो आप देखेंगे वर्ल्ड का जो डेटा है आप देखेंगे एरो में किडनी डिजीज के माध्यम से ऑलमोस्ट नाइन्थ या टेंथ पोजीशन उसका डेथ रेट है एंड आप देखिए इसमें जैसे बताया गया पहले भी डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा एच आई एड्स के बारे में सबको पता है वो भी नीचे है किडनी डिजीज़ से नीचे है किडनी डिजीज़ अभी तो कहते हैं कि सातवाँ नंबर पे है इसमें इस चित्र में शायद नौवा या दसवाँ है लेकिन एक्चुअली अभी सातवा नंबर है इसलिए जानना बहुत जरूरी है अभी किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो होता है उसके बेसिकली किड सिंपल है तीन चार बेसिक उसके वजह है तो एक तो ऊपर का चित्र में आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई है ये नालियाँ हैं जो मेन नाली से निकलता है एंड गुर्दे को ब्लड मिलता है तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है रुकावट है फिर किडनी को कम ब्लड मिलेगा और वो जो हॉर्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बाद में किडनी ख़राब भी हो सकते हैं सो तो आप देखिए नीचे का जो चित्र है इसमें ना खून के जो मेन नालियाँ है इसमें रुकावट है तो ये हो गया एक प्रकार दूसरे तीसरे चौथे जो है ये आप वैसे पता चलता नहीं है जब बायोप्सी करते हैं तब पता चलेगा ये जानना जरूरी है कि हर गुर्दे में ऑलमोस्ट दस लाख फिल्टर है जिसको आप ग्लोमलाई कहते हैं जो बीच में जो आपको दिख रहा है चित्र ग्लोमरलाई है तो ये फिल्टर अगर खराब हो गए तो फिर क्या होगा प्रोटीन जो ब्लड में रहना चाहिए वो बाहर निकल जाएगा एंड प्लस यूरिया क्रिएटिन नहीं निकलेगा ठीक से यूरिया बढ़ेगा सो ये है ग्लोमलाइ डिजीज यानी फिल्टर खराब है एंड ऐसे दस लाख छलनियाँ हैं अब कह सकते हैं दस दस बीस हो गए हैं दस दस बीस इस छलनियों से फिल्टर से ट्यूब्स निकलते हैं स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स और ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स आप यहाँ साइड में देख पा रहे हैं तो कभी कभी बेसिक प्रॉब्लम ट्यूब्स में आ जाते हैं इसको हम ट्यूबुलर इंडस्ट्रीशियल डिजीज कहते हैं और जब ए इफेक्ट होते हैं तब यूरिन ठीक से निकलेगा नहीं या ज़्यादा निकलेगा वो भी प्रॉब्लम है हार्मोन नहीं बनेगा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा सो so, एक रहा फिल्टर का प्रॉब्लम एक रहा ट्यूब का प्रॉब्लम और थर्ड ये देखिए किडनी के अंदर छोटे छोटे ब्लड के नाली हो तो हमने बड़े नाली देखा हमने शुरू में वो जब अल्टीमेटली अंदर जाके तो छोटे-छोटे बनते हैं तो इसमें भी कभी कभी सूजन आ जाते हैं सो so, ये बहुत सिंपल है तो किडनी में बेसिकली चार वजह के कारण गुर्दे में खराबी हो सकते हैं तो सीकेडी के जो प्रमुख वजह है डेक्टर साहब ने जो बताया डायबिटीज़ हाइपरटेंशन टेंशन जो फिल्टर का प्रॉब्लम उसको हम नेफ्राइटिस कहते हैं सिंपल भाषा में नेफ्राइटिस जो ट्यूब्स खराब होते हैं कब खराब होते हैं जब यूरिन में इन्फेक्शन हो या किसी ने ज़्यादा पेन किलर ले लिया हो सालों साल पेन किलर लिया फिर कभी कभी उसमें गुब्बारे बन जाते हैं मैं दिखाऊंगा चित्र इसके बाद तो उसको हम पॉलिसिस्टिक डिजीज है एडी पी के डी शॉर्ट में कहते हैं और लास्ट में एक और वजह है उसमें बॉडी के काफ़ी अंगों में स्वेलिंग आ जाता है सूजन होता है जैसे देखें यहाँ पे चेहरे पे सूजन है फिर हड्डियों में सूजन होगा तो इसको हम लुपसनेफ्राइटिस नेफ्राइटिस ऐसे ही कहते हैं या रोमेटोड आर्थराइटिस है देखिए आर्थराइटिस तो ऐसी बीमारी में भी गुर्दा बाद में जाके प्रभावित हो सकता है तो ये है कॉमन रीजन्स ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज तो पहला वजह जो है वो है डायबिटीज़ उसका पूरा नाम है डायबिटीज मेलिटस राइट तो उसको डी एम कहते हैं ना डायबिटीज मिले इसका लैटिन शब्द का अर्थ यह है, है कि पेशाब जो है ना वो मीठा है तो शुरुआत में जब साइंटिस्ट लोगों ने परीक्षण किया तब तो, तो टेस्टिंग नहीं था तो उन्होंने देखा होगा चखा होगा इसलिए हिंदी नाम भी इसका मधुमेह है सो स्वीट यूरिन मीठा यूरिन तो ये आप इजिली घर में स्टिक के माध्यम से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं एंड ब्लड शुगर चेकअप घर में भी कर सकते हैं या लैब में भी कर सकते हैं सो so, ये डायबिटीज सेकेंड है हाई ब्लड प्रेशर हमने देखा है कि किडनी रेगुलेट्स बीपी लेकिन बेसिकली एक डबल पाथ है एक टू वे ट्रैफिक है तो जब गुर्दा खराब होगा तब तो बीपी बढ़ेगा बीपी बढ़ेगा तो गुर्दा और खराब होगा सो so, हम एक इसलिए एक ऐसा साइकिल बन जाता है सो ब्लड प्रेशर डायबिटीज कॉमनेस्ट कॉजेज है डायबिटीज की वजह ऑलमोस्ट चालीस प्रतिशत है ऑफ किडनी फेलियर और हाई बीपी ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो जब हम किडनी देखते हैं कैसा दिखेगा तो जब फिल्टर का प्रॉब्लम है तो किडनी सुकड़ जाते हैं बिकम स्मॉल हौले से ख़राब हो जाते हैं नॉर्मल है और एक है और नीचे वाला जो है इसमें देखिए गुब्बारे हैं है, किडनी एक्चुअली बड़ा होता है ना तो बिकम्स से बिग किडनी बहुत बड़े बड़े किडनी बनते हैं उसको ए डी या सिस्टिक किडनी कहते हैं सो so, ग्रॉस में यानी मॉर्फोलॉजी में ऐसा दिखाई देगा आपको अभी प्रॉब्लम है कि सीकेडी है इसका जो लक्षण है बहुत लेट आते हैं तो आप देखिए सीकेडी के पांच स्टेजेस हैं माना जाता है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज ये आइसबर्ग जैसे समुद्र के नीचे है पता ही चलता नहीं तो स्टेज फोर फाइव जब काफ़ी देर हो चुका होता है तब जाके ज़्यादा लक्षण सामने उभर आता है यही ये बेसिक प्रॉब्लम कि क्यों इसका डायग्नोसिस जल्दी होता नहीं किसी ने पूछा आज मुझे कि चैलेंजेस क्या है इन क्रॉनिक डिजीज ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि डायग्नोसिस सही वक्त पे होता नहीं इस इस है इसमें देखिए इस चित्र में जो किडनी डिजीज सिकडी का जो मेन लक्षण है इसमें दिखाया गया है तो फर्स्ट थिंग इज हाई बीपी इसलिए बीपी चेक करना बहुत जरूरी है हमने देखा है कि किडनी में एक्सी हार्मोन जिससे हीमोग्लोबिन बनाया रहता है तो जब वो नहीं बनेगा तब खून की लाली कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन कम होगा तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर युवाओं में हाई बी है हीमोग्लोबिन कम है तो तुरंत जाके कम से कम एक यूरिन और ब्लड टेस्ट करना जरूरी है कि इट कुड भी किडनी डिजीज़ हो सकता है नहीं भी हो क्योंकि न्यूट्रिशनल एनीमिया बहुत कॉमन है हमारे देश में क्योंकि ब्लड आयरन कम होता है तो इसलिए न्यूट्रिशन में बहुत कॉमन है लेकिन अगर हाई बी और अनिमिया है देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ उसके साथ साथ अगर पैरों में सूजन मुंह में सूजन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक और लक्षण है किडनी डिजीज़ तो का बेसिकली जो ट्यूब्यूल्स का डिजीज़ दिखाया मैंने उसमें उभर आता है ये देखिए आमतौर पर युवाओं रात में उठते नहीं है जगते नहीं है क्योंकि हमारी किडनी ऐसा है कि गाढ़ा बनता है यूरिन रात में तो रात में अगर बार बार उठना पड़े स्पेशली युवाओं में वृद्धावस्था में उठना पड़ता है वो बात अलग है प्रोस्टेट है और कुछ प्रॉब्लम है तो अगर युवा अवस्था में बार बार उठना पड़े इवन एक बार उठना भी नॉर्मल नहीं है लेकिन चलिए एक बार मान भी लेते हैं तो अगर दो बार उठना पड़े देन किडनी का जांच करना बहुत जरूरी है तो ये जो मैंने चार चित्र दिखा है इनका कॉम्बिनेशन में अगर दो है तो कम से कम किडनी का जाँच करना चाहिए फिर जाके जल्दी आपका सिक्यूटी का डायग्नोसिस हो पाएगा तो क्या टेस्टिंग करें फर्स्ट इज अंपल यूरिन टेस्ट उसको हम यूरिन आर कहते हैं रूटीन माइक्रोस्कोपी मतलब क्या है उसमें हम प्रोटीन देखेंगे ग्लूकोज देखेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसमें सेल्स देखेंगे डब्ल्यू बी सी आर ये जानना जरूरी है क्योंकि जब आप रिपोर्ट देखेंगे ना उसमें रहेगा आर एम ये रहेगा एक पहलू सेकेंड है आपको ऑटो एनालाइजर से यूरिन में कितना प्रोटीन लीक हो रहा है एक तो स्टिक के माध्यम से आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि ये नील है वन प्लस है टू प्लस है लेकिन एग्जैक्ट कितना है उसके लिए या तो आप चौबीस घंटे का इकट्ठा करें और उसमें डेढ़ सौ एम जी से कम होना चाहिए चौबीस घंटे में दैट इज़ नॉर्मल लोग करना नहीं चाहते चौबीस घंटे चौबीस घंटे इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल है तो फिर उसका एक और उपाय भी है तो आप मॉर्निंग का सेकेंड सैंपल दस एम एल ये ट्यूब दे दीजिए हमारे लैब में उसमें प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो किया जाएगा हाँ सिंपल पी सी आर कहते हैं पी सी रेशियो कहते हैं और वो रेशियो अगर नॉर्मली डेढ़ सौ एम जी पर ग्राम ऐसा रिपोर्ट दिया जाता है उससे कम होता है उससे ज़्यादा है तो मतलब प्रॉब्लम है तो एक बेसिक टेस्ट है ये तो एक्चुअली हर एक को करना भी चाहिए साल दो साल में एक बार या अगर बी पी डायबिटीज है तो साल में एक बार करना ही चाहिए और सेकेंड टेस्ट है ब्लड टेस्ट तो ब्लड टेस्ट में हम क्या देखेंगे हीमोग्लोबिन देखेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है और बाकी यूरिया क्रिएटिनिन सोडियम पोटेशियम ये आप चेक कर सकते हैं इससे हम ई जी एफ आर आजकल मापते हैं तो नॉर्मल जी एफ आर जो है अस्सी से एक सौ बीस माना जाता है भारतीयों में थोड़ा कम है तो चलिए कम से सत्तर तो होना ही चाहिए तो, और बाकी सोडियम पोटेशियम नॉर्मल होना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड आजकल ना, बहुत कॉमन टेस्ट है सेफ है सिंपल है तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें कैसा गुर्दा दिखता है तो मैं इसमें दिखाया है मैंने नॉर्मल जो है ना ऐसा है जस्ट आप देख लीजिए चित्र ये नॉर्मल है नॉर्मल सी में उसका अंदर का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है तो एक तो गुर्दे सकड़ जाते हैं और सेकेंड उसका अंदर का स्ट्रक्चर खराब नष्ट हो जाता है सो so, ये नॉर्मल है और ये सी है तो छोटा सुखड़ा हुआ अंदर खराब हुआ गुर्दा सी के है तो इसमें अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है कभी कभी रुकावट आता है स्टोन के वजह है या प्रोस्टेट होगा या फिर कैंसर होगा तो अगर गुर्दे में रुकावट है पिशाब के नालियों में तो फिर उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं देखिए पानी पानी भर गया है पूरा तो इससे पता चल जाता है कि कहीं रुकावट है किडनी में और लास्ट है जो गुब्बारे भरे हुए मैंने दिखाया आपको चित्र ए डी या सिस्टिक डिजीज़ उसमें देखिए ऐसे पानी भरे हुए जो काला काला है वो पानी है देट इज़ वाटर बहुत सिंपल है तो ये अगर आप देख लेंगे तो अल्ट्रासाउंड बहुत सिंपल और सेफ इन्वेस्टिगेशन है तो अगर आप ये आग टेस्ट सही वक्त पे करेंगे तो फिर डायग्नोसिस हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बीमारी बढ़ता जाएगा और जो एंड स्टेज डिजीज है लास्ट में क्या लक्षण दिखाई देंगे एक तो बी बढ़ जाएगा बीपी बहुत ज़्यादा होगा उल्टियाँ होने शुरू होंगे खून बिल्कुल कम हो जाएगा पैरों में सूजन मुंह में सुजन और रात में लेटना भी मुश्किल होता है क्योंकि हमारे फेफड़ों में लंग्स में पानी इकट्ठा होता है तो फिर आप बैठ के कटाना पड़ता है एंड बिल्कुल लास्ट में आप ये देखिए पोटेशियम बढ़ जाता है तो मैंने सिंपल दिखाया है इसमें कि नीचे का वाला नॉर्मल ही है आप देख सकते हो नॉर्मल है और जब बहुत हाई पोटेशियम है तो हार्ट बिल्कुल धीमी गति से चलेगा और उसका जो वेव पैटर्न उसको हम साइन वेव पैटर्न कहते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज है उसको आपने सही वक्त पे इलाज नहीं किया तो एक घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है तो सीके का लास्ट स्टेज यही है तो इसको रोकथाम कैसा किया जाए ताकि उस स्टेज पर हम ना पहुँचें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें गर्भावस्था में माताओं का देखभाल करना चाहिए ताकि उनका स्वस्थ हो और बेबी का वेट ठीक से बढ़े हमने देखा कि दस दस बीस लाख छलनियाँ हैं छलनियाँ बनते हैं पहले आठ सातवें आठवें महीने तक उसके बाद छलनियाँ नहीं बनेंगे तो अगर इस दौरान आपने सही न्यूट्रिशन नहीं दिया तो फिर छलनियाँ कम बनेंगे और शुरू से ही सिकेटी स्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए सिकेटी अगर रोकथाम करना है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ताकि जो बेबी जो पैदा होगा उसका वज़न ठीक हो कम से कम तीन किलो या ढाई किलो तो हो ढाई किलो से कम है तो फिर फिल्टर भी कम होंगे और फिर आगे जाके सिकड़ी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है तो रोकथाम यहाँ से शुरू होगा नेक्स्ट है हेल्दी लाइफ हेल्दी लिविंग तो वॉकिंग करें सुबह शाम जॉगिंग साइकिलिंग आजकल नहीं हो पा रहा है नहीं होता है और क्या होता है बेसिकली ऐसा है तो इसको हम काउच पोटैटो कहते हैं इसमें वेट बढ़ेगा शुगर बढ़ेगा किडनी भी खराब होगा तो हमें इससे बच के रहना है बच्चों को सिखाना है ताकि ऐसा ना रहे ऐसा रहे हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है स्मोकिंग बिल्कुल वर्जित है लोगों को पता है कि स्मोकिंग से फेफड़ों में कैंसर होता है ये सबको पता है लेकिन ये नहीं पता है कि इससे गुर्दे भी खराब होते हैं और अगर गुर्दे में थोड़ा खराबी हो और जल्द से जल्द और ख़राब होगा तो फर्स्ट थिंग इज़ टोबैको तो किसी भी बीड़ी हो या जो भी हो गुटखा सब कुछ बिल्कुल बंद होना है बीपी अगर ज़्यादा है देखिए ऐसा है हाइपर बहुत आम बीमारी है ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट लोगों को पॉपुलेशन में हाइपर है तो बीपी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है डायबिटीज़ भी काफ़ी कॉमन है ऑलमोस्ट टन फिफ्टीन परसेंट लोगों को है तो शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को लूपस है हैथिस है यानी जिसको हम सूजन की बीमारी कहते हैं मल्टीसिस्टम सूजन तो उसका सही इलाज करना जरूरी है अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा हो बार बार तो क्यों हो रहा है और आगे ना हो इसका सही इलाज करना बहुत जरूरी है अगर पथरी है प्रोस्टेट है तो इसका इलाज करना जरूरी है ताकि रुकावट ना आए पेशाब के नाले में तो ये सब सिंपल चीज़ आप करेंगे तो फिर होगा ही नहीं सिकेडी सिकेडी होगा नहीं अगर सिकेडी हो गया आपने डायग्नोसिस कर लिया कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है जीएफआर 60 से कम है तब क्या करें कभी उपाय है उसको हम रोक सकते हैं हमने देखा पांच स्टेज है उसको हम रोक सकते हैं फर्स्ट नेफ्रो प्रोटेक्शन किडनी को बचाना है तो कैसे बचाएंगे हम किडनी का क्या बीमारी है ये पता लगाना बहुत जरूरी है इसलिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास सही वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि क्या प्रॉब्लम है हमने देखा चार वजह है फिल्टर है ट्यूब है नालिया है जो भी है तो इसका इलाज कर डायग्नोसिस करना और इलाज करना जरूरी है उसका इलाज है उसका फिर आजकल नेफ्रो प्रोटेक्टिव ड्रग्स है दो ड्रग्स को आजकल माना जाता है वैसे और भी कई ड्रग्स है लेकिन उसका कितना सफलता है मुझे नहीं पता लेकिन तो सिंपल भाषा में एक रास इनिबेटर कहते हैं अब कैलमा वगैरह लोगों को पता होगा और दूसरा एक डायबिटीज़ का एक नया दवाई आया हुआ है उस उससे क्या होगा शुगर जो है वो पेशाब के माध्यम से और ज़्यादा निकलेगा और प्रोटेक्ट्स द हार्ट ऑल्सो एंड किडनी ऑल्सो तो नेफ्रो प्रोटेक्टिव ड्रग्स बी एक सौ से कम रखें और रात से रखें से बाकी भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं तो उससे कंट्रोल रखें अगर डायबिटीज है, है और सीकेडी है तो हम एच बी सी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखते हैं सात से आठ ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो फिर शुगर कम हो सकता है तो देट इज़ मोर डेंजरस तो एच बी सी सात से आठ ठीक है लोग पूछते हैं डाइट बहुत ज़रूरी है तो नमक बहुत ही डेंजरस चीज़ है नमक कम कम से कम और चीनी कम वो एक स्लोगन आजकल एक चम्मच कम हाँ तो हमें कम लेना चाहिए चीनी तो चीनी और नमक दोनों कम प्रोटीन्स के बारे में काफ़ी उसमें कंट्रोवर्सी है कितना लेना चाहिए लेकिन हमारे जनता आमतौर पर ज़्यादा लेती ही नहीं है प्रोटीन पेशेंट्स को ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा है इसीलिए सिक्योरिटी है तो हार्ट का सही रिस्पॉन्स होना जरूरी है इनफैक्ट एक टू ट्रैफिक है हार्ट में अगर कोई बीमारी है किडनी और खराब होगा किडनी खराब है तो हार्ट और खराब होगा इसलिए दोनों को हमें बचा के रखना है कि दोनों बिल्कुल स्वस्थ रहे तो एवरग्रीन हार्ट एवरग्रीन किडनी ये एक स्लोगन होना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट है सही वक्त पे वक्तमाइजेशन लेना ज़रूरी है हेपेटाइटिस बी उसका शेड्यूल हमारा अलग है डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉपुलेशन निमोनिया का फ्लू का और हमने देखा है कि खून का लाल ही कम हो जाता है तो इसीलिए इंजेक्शन ईपो अवेलेबल है आजकल काफ़ी उसका रेट्स भी कम हो गए हैं इतना महंगा नहीं है एंड देन द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं स्टेज फोर में पहुंच जाते हैं क्रियाटिन चार पाँच होता है तब एक समझाना और समझना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली जाके डायलिसिस लगेगा एक बार जब हमने देखा ना फोर फाइव में पहुंच गया तब आप रोक नहीं सकते हैं ये लोग समझते नहीं एक और चैलेंज है दिस इज़ आर बिगेस्ट चैलेंज तो तब हमें क्या करना है उसका प्रिपरेशन करना है फॉर आर मतलब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी गुर्दा को हम कैसे रिप्लेस करें तो उसके लिए सही वक्त पे फिशुल्ला बनाना बहुत ज़रूरी है एक सिंपल ऑपरेशन है उससे हम फिश्चूल्ला बना सकते हैं ताकि डायलिसिस आसानी से हो नहीं तो ऐसा आपको ना गर्दन पे यहाँ यहाँ सब जगह यहाँ सब जंगों में आपको ट्यूब डालना पड़ेगा तो उससे बच कर रहना जरूरी है इसलिए फिस्चूल्ला सही वक्त पर बनाना बहुत ज़रूरी है एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि इसमें पैसे लगते हैं तो इसलिए एक काउंसलिंग कि कितना खर्चा आएगा कहाँ से आएगा ये एस ऐसे मिलेगा सी जी एच एस से होगा या दिल्ली के किसी माध्यम से होगा तो ये भी सब कुछ प्रिपरेशन स्टेज फोर लास्ट में या फाइव वाले में करना जरूरी है एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं कहता हूँ इज क्वालिटी ऑफ लाइफ कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं ताकि एक स्वस्थ जीवन सीगेटिव पेशेंट जी सके मिनिमम सिम्टम मिनिमम हो नींद सही हो काम काज नॉर्मल करे डजेंट मैटर क्रियाटनिंग तीन हो चार हो ड मैटर नॉर्मल लाइफ हो और नॉर्मल सोशल लाइफ हो सो दिस इज द बेसिक हमारा पर्पज ऑफ क्रॉनिक डिजीज ट्रीटमेंट तो सीगेटिव पेशेंट को घर में क्या रखना चाहिए हर एक के घर में थर्मामीटर तो होता ही है प्लस वेट कंट्रोल ज़रूरी है तो एक वेइंग मशीन एक शुगर का एक ग्लूकोमीटर और एक सिंपल बीपी इंस्ट्रूमेंट ये आजकल बहुत महंगा है नहीं तो इससे ना हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं एंड लास्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर डायलिसिस तो है हीमोडायलिसिस है पेट का डायलिसिस है इसके बारे में आपको बताया जाएगा और ट्रांसप्लांट में इसमें गुर्दा प्रत्यारोपण किया जाता है धन्यवाद थैंक यू सो मच सर फॉर योर इन्फॉर्मेटिव टॉक बहुत ही सरल तरीके से सर ने हमें हाँ किडनी की बीमारी और उसके काम के बारे में बताया नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर संदीप महाजन सर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूफ्रोल एम्स फॉर अ टॉक ऑन डायलिसिस नमस्कार डॉक्टर भूमिक ने बड़े विस्तार से आपको किडनी के सब काम का जो बाकी सब विषय में जानकारी पहले ही दे दी है जिस बारे में मैं जानकारी देने आया हूँ वो है डायलिसिस की प्रणाली जब हम एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि हमारी किडनी बहुत कम काम कर रही हैं और बिना आगे कुछ किए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी किए हम आगे नहीं चल सकते तो ये वो समय है जब हमें डायलिसिस के बारे में सोचना है अगर आप पूछें डायलिसिस क्या है या डायलिसिस में ऐसा क्या है तो डायलिसिस अपने आप में एक तरह से करिश्मा है मॉडर्न साइंस का एक वाइटल ऑर्गन जो हमारी किडनी जैसे डॉक्टर भौमिक ने बताया इतने सारे काम करती है अगर वो बिल्कुल काम भी ना करे तब भी सालों साल हम डायलिसिस में उस मरीज को जिंदा रख सकते हैं ना केवल जिंदा रख सकते हैं उसको हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं उसको हम सोशली प्रोडक्टिव रख सकते हैं वो अपने काम नहीं सोसाइटी के काम भी कर सकता है तो डायलिसिस क्या है और इसके बारे में आगे हम क्या आपको बताना चाहते हैं बहुत संक्षिप्त में अगर हम बताना चाहें तो डायलिसिस की दो प्रणालियां हैं एक तो है खून की डायलिसिस जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं और दूसरी है पेट की डायलिसिस जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं ये दोनों प्रणालियाँ मेडिकल अगर तुलना में देखें तो एक समान है कौन सा आदमी क्या अपने व्यक्तिगत चॉइस है कि क्या लेना चाहे या किसके लिए क्या बेहतर है अपना चॉइस ज़्यादा है मेडिकली दोनों ऑलमोस्ट एक, एक से हैं आप फिजिक्स का बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जिसमें अगर हम दो सॉल्यूशंस को एक छन्नी के आसपास डाल दें तो सॉल्यूट यानी के माध्यम और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंसेंट्रेशन अचीव कर लेंगे ये प्रोसेस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जिसको हम डायलिसिस की सभी प्रणालियों में इस्तेमाल करते हैं दूसरा तरीका है जो हीमोडायलिसिस में यूज करते हैं कि पानी के दबाव से अपनी कंसेंट्रेशन या अपनी मात्रा के विपरीत भी हम इन सॉल्यूशंस को सॉल्यूट्स को भेज सकते हैं जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं इसको हम कई बार हीमोडायलिसिस में इस्तेमाल करते हैं हिमोडिसिस का इक्विपमेंट देखने में बहुत सा सरल सा है एक है जिसमें जिससे खून लिया जाता है ब्लड पंप द्वारा खून शरीर से बाहर निकाल के उसको कृत्रिम किडनी या आर्टिफिशियल किडनी में डाला जाता है जिससे उसे साफ करके वापस बॉडी में या वापस व्यक्ति को दे दिया जाता है इस पूरे माध्यम में किडनी को या खून को साफ करने के लिए और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को करने के लिए हम स्पेशल तरीके का फ्लूड इस्तेमाल करते हैं जिसे डायलिस कहते हैं जो निरंतर खून की विपरीत दिशा में चलता रहता है लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो ये सर्किट अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है काफी मुश्किल है इसमें तमाम किस्म के बंदोबस्त किए जाते हैं कि किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट ना आए किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए बड़े तरह के अलार्म्स होते हैं बड़े तरह के सेफ होते हैं जो हमें बताते हैं कि इस समय यह परेशानी होने वाली है और हमें पहले से अलर्ट कर देते हैं सर्किट में अगर गैस भर जाए सर्किट में अगर खून जमा हो जाए जम जाए इन सब का हमें पहले से ही ज्ञान दे देती है मशीनें और जैसे मैंने बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट आर्टिफिशियल किडनी होता है और उसके विपरीत चलता हुआ डायलिसिस फ्लोइड जिससे डिफ्यूजन की मात्रा से ये खून साफ हो जाता है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है खून की हम शरीर से खून कैसे लें इसे टेम्परे तरीके से लिया जा सकता है जो मरीज एकदम हमारे पास आए हैं जिनका फिस्टुला नहीं बना हुआ उसमें गले में नलकी या पाव में नलकी डाल के हम डायलिसिस कर सकते हैं या फिर उसे फिस्टुला के माध्यम से जैसे डॉक्टर भोम्बिक ने बताया अगर मरीज हमारे पास पहले से फॉलोअप में है तो स्टेज फाइव या स्टेज फोर पार करते ही पेशेंट्स को हम फिस्टुला बनाने के लिए कह देते हैं ये कृत्रिम किडनी या आर्टिफिशियल किडनी है जिसमें जैसे मैंने बताया पतली पतली छन्नियां हैं जिसमें खून बहता है और उसकी विपरीत दिशा में डायलेसेड फ्लूड जाता है जिसकी वजह से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से खून साफ हो जाता है डायलेसेड का कंपोनेंट जो फ्लूड हमने देखा वो ऑलमोस्ट वही है जो खून की नॉर्मल मात्रा में है तो जो जो, जो चीजें ब्लड में एक मरीज के ज्यादा हैं किडनी खराब होने की वजह से वो डिफ्यूजन के माध्यम से तेजी से इस डायलिसिड पानी में आ जाती हैं और बाहर निकल जाती हैं और जो जो मात्राएं कम है जैसे बाइकार्बोनेट कम होता है बॉडी में एसिड इकट्ठा हो जाता है वो तेजी से डायलिसिड से ब्लड की ओर चला जाता है और ये मात्राएं खून में नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो ये पूरी डायलिसिस की प्रक्रिया रही जो कि खून की, की डायलिसिस है पेट की डायलिसिस हम कैसे कर पाते हैं हमारे पेट में दो पूरी पेट की चर्बी के इर्द गिर्द और हमारे सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं पेट है लीवर है इन सब के इर्द गिर्द एक चर्बी चल रही है जिसे हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं इन दो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बीच में एक छोटा सा गैप रहता है जिसमें नॉर्मल आदमी में कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूड 10 से 15 एमएल फ्लूड होता है पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं इस पेट के अंदर जो चर्बी है जो पेरिटोनियम है इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं तो इसमें जो पेट की अपनी जो हमारी बॉडी की अपनी छन्नी है जो नेचुरल मेम्ब्रेन है वही डायलिसिस मेम्ब्रेन की तरह काम करती है जो हम पानी डालते हैं ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जो बॉडी की नॉर्मल कॉम्पोजिशन है बट इसमें पानी एक्स्ट्रा बाहर निकालने के लिए हम ऐसा कुछ पदार्थ बना देते हैं जिससे ये पानी खींच पाए ज़्यादातर ये ग्लूकोस होता है चार से छह घंटे तक यही पानी हम पेट के अंदर रखते हैं और पेट के पान पेट जो खून है उसके माध्यम से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के माध्यम से जो हानि हानिकारक तत्व हैं जो खून से इस पेट के पानी में आ जाते हैं और जैसे हिमोडलिस में होता है कुछ अच्छी मात्राएं वापस से खून में चली जाती हैं चार से छह घंटे बाद हम ये पानी निकाल देते हैं और फिर वापस से ये प्रक्रिया दोबारा करते हैं ये प्रक्रिया दिन में औसतन तीन से चार बार करनी पड़ती है और ये प्रक्रिया बड़े आसानी से आदमी घर पे कर सकता है तो पेरिटोनियल डायलिसिस का सेटअप अगर हम हीमोडायलिसिस से देखें तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही अलग है बिल्कुल ही विभिन्न है इसमें हम आराम से घर पे कर सकते हैं कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं है आप अपने आप ग्रेविटी के सहारे पेट को पेट के अंदर पानी डालते हैं और फिर चार से छह घंटे बाद ग्रेविटी के सहारे ही पानी बाहर निकाल लेते हैं और जो प्रोसेस खून की सफाई का है वो पेट की चर्बी के द्वारा अपने आप ही किया जाता है पेरिटोनियल कैथेटर ऐसा नहीं कि देखने में बहुत भयानक लगता है ये एक छोटी सी ट्यूब है जो आपकी पेट के सहारे पेट के पेट से जरा सी बाहर निकलती है और इसी से आप ये कनेक्शन और डिस्कोनेक्शन करके डायलिसिस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यही काम आप एक मशीन के जरिए भी कर सकते हैं ये कुछ महंगा ज़रूर पड़ता है कॉम्पोजिशन जो पी डी की है बिल्कुल वैसे ही जैसे हीमोडायलिसिस फ्लूड की होती है लेकिन जैसे मैंने बताया इसमें ग्लूकोज डाला जाता है एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालने के लिए अगर हम तुलना करें कौन सी डायलिसिस बेहतर है तो जैसे मैंने कहा मेडिकली दोनों थेरेपीज बराबर हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से कि आप क्या चाहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस हम कहीं भी घर पे कर सकते हैं हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है अगर हीमोडायलिसिस डायलिसिस सेंटर हमारे घर से बहुत दूर है तो हम जाने आने की जो तकलीफ है उससे बच सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में कोई सेटअप रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए सरकार को पेरिटोनियल डायलिसिस ज्यादा सस्ता पड़ा पड़ेगा लेकिन एक आदमी को पी और हिमो डायलिसिस की कॉस्ट ऑलमोस्ट बराबर पड़ती है पेरिटोनल डायलिसिस में हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ता तो जिनके हार्ट की कमजोरी है ब्लड प्रेशर कम रहता है वो भी पेरिटोनल डायलिसिस कर सकते हैं और किडनी का बचा हुआ काम डायलिसिस में ज्यादा अच्छा चलता है बार बार अस्पताल ना आने की वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड या ब्लड एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कम रहती हैं लेकिन पेरिटोनल डायलिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मरीज की अपनी कमिटमेंट अपना इलाज करने के लिए अगर यह नहीं है तो डायलिसिस कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो अभी भी हिमोडायलिसिस सबसे पॉपुलर मोडालिटी है कीमत हिमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस की लगभग बराबर है ट्रांसप्लांटेशन सबसे डिजायरेबल ऑप्शन है रीनर रिप्लेसमेंट थेरेपी का और सबसे सस्ता भी पड़ता है लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो ऐसा नहीं पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस का आपस में कोई झगड़ा है ये एक आप समझिए कंटिन्यूटी है दोनों एक दूसरे को जोड़ते हैं अलग नहीं करते आप किसी भी समय पेरिटोनल पे हैं और हीमोडायलिसिस से पेरिटोनल डायलिसिस पे आ सकते हैं दोनों के रहते आप कभी भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और ट्रांसप्लांट खराब होने के बाद वापस से इन्हीं दोनों में से किसी भी प्रणाली पे वापस आ सकते हैं लेकिन जैसे डॉक्टर भौमिक ने बताया कि बचाव हर इलाज से बेहतर है तो किडनी के बारे में जानकारी रखना और किडनी की बीमारी से बचना ही सबसे बड़ा आज का संदेश है धन्यवाद प्रिवेंशन इज बेटर देन इसमें तो कोई दोराई नहीं है लेकिन अगर किडनी खराब ही हो गया तो डायलिसिस ऑप्शन है लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट इससे भी बेहतर ऑप्शन है ये क्या होता है जो डायलिसिस ये डिफरेंस क्या है डायलिसिस करो इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशनल का प्रॉब्लम होते है खाने में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होती है और उसमें लाइफ मतलब तो बीमारी थोड़ा सा ठीक से नहीं लगता है जिसे ट्रांसप्लांट पेशेंट जैसे है और उसमें पूर्ति होता है जैसे ट्रांसप्लांट अगर एक पेशेंट देखेंगे डायलिसिस पेशेंट देखेंगे अपना पूर्ति लगता है थोड़ा और लाइफ अगर देखेंगे तो ट्रांसप्लांट पेशेंट का थोड़ा बेटर लाइफ है डायलिसिस का तुलना से तो इसलिए ट्रांसप्लांटेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन उस वही हमको करना चाहिए अगर कोई रिश्तेदार है कोई डोनर है अवेलेबल है तो तो ये क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक गुर्दे निकाल के जो देगा एक गुर्दे निकाल के दूसरे जो पेशेंट को लगाना है जैसे ये फिगर में देखा गया है पुराना जो गुर्दा जो होता है वो अपना जगह में रहता है नया गुर्दा एक लगा देते इसको जैसे पहले ही बताया जे जीवन टाइम में हम दे सकते हैं और मरने के टाइम में भी हम दे सकते हैं ये थोड़ा सा टेक्निकल है जो एक आइसोग्राफ्ट कहते हैं मतलब जो ट्विन ट्विन का इसको उसको देंगे क्योंकि जेनेटिक दोनों का सेम रहता है तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा ज्यादा रह जाता है ऑटोग्राफ्ट कहते हैं जो ये ट्रांसप्लांटेशन में नहीं आता है लेकिन ये है कि अपने चीज अपने को लगा दो उसको कहते ऑटोग्राफ आइसोग्राफ मतलब ट्विन में लगाना एलोग्राफ मतलब कोई आदमी किसी को दे दिया आदमी आदमी को दिया ये है आइसोग्राफ एलोग्राफ्ट अगर जेनोग्राफ्ट जेनोग्राफ्ट बंदर दे दिया कोई ह्यूमन को नहीं तो चिम्पांज दे दिया कुछ हमने को क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा सिमिलरिटी रहता है इसमें रिसर्च चल रहा है और कुछ कुछ सक्सेस दिखाई दे रहा है और इसमें आगे हो सकता है आगे कुछ जाए लेकिन जो हमारा एनिमल का गाइडलाइन से इथिक्स का कुछ रूल से इसमें भी हमें फॉलो करना चाहिए अगर ये होगा तो आगे शायद इसका ट्रांसप्लांटेशन का ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हमारा भविष्य आएगा जो हम एलोग्राफ्ट करते हैं इसमें दो तरह होती है एक है लिविंग डोनर जिसे बताया एक होता है डिजीज डोनर लिविंग डोनर जो है रिश्तेदार माँ बाप भाई बहन पति पत्नी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ये सारे जो होता है, इसको रिश्तेदार कहते हैं अगर अनरिलेटेड, अनरिलेटेड डोनर मतलब चाचा मामा मामी कोई भी दोस्त दोस्त वो भी ये सारे भी अगर जान पहचान है उसको अनरिलेटेड कहते हैं अल्ट्रोएस्टिक मतलब कोई एक उसको फाइनेंशियल पैसा नहीं चाहिए लेकिन अपना मर्जी से देना चाहता है अपना मर्जी से उसको अल्ट्रोएस्टिक डोनर कहते हैं और दूसरा है डिजीज डोनर डिजीज डोनर मतलब जो पेशेंट का ब्रेन डेड हुआ है ब्रेन डेड मतलब क्या होता है हेड इंजरी हुआ कोई ब्रेन ट्यूमर हुआ कुछ सीबीए हुआ कुछ हेमरेज हो गया वो पेशेंट का हार्ट काम कर रहा है लंग्स काम कर रहा है वेंटिलेटर से लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा है वो ब्रेन इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है वो बचने वाला है नहीं उसी को हम आठ अंग दे सकता है एक एक करके किडनी भी एक अंग है जो हम दे सकते इसको कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ये भी कहते हैं मतलब अगर हार्ट भी जिंदा नहीं है तब भी तुरंत हम अगर कर दें अगर हार्ट जिंदा है तब भी कर सकते चार ब्लड ग्रुप रहता है ए बी वो और ए बी इसमें पहले था हम एक ग्रुप से ए को ए को ही दे सकता है बी को बी को ही दे सकता है नहीं तो ग्रुप ए बी को तो कोई भी दे सकता है वो वाला वो से ही ले सकता है लेकिन आजकल ऐसे नहीं है कोई भी ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है जो कुछ कुछ टाइटर को हमको मतलब इसको प्लाज्मा फेरेसिस करके और जो एंटीबॉडी होता है उसको निकालना पड़ता है तो हमें ए बी इनकम्पाटेबल भी हो सकता है दूसरा है एक स्वाफ ट्रांसप्लांट कहते मतलब दो पेर है इसका पति है पत्नी है ये पति है पत्नी है इसका पत्नी इसको देता है इसका पत्नी इसको देता है नहीं तो इसका पति इसको देता है इसका पति तो ये दो है ये आजकल ये स्वाप जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल ये दोनों का ब्लड ग्रुप मिल नहीं रहा है तो ए तो फिर ये इसको दे दिया ये इसको दे दिया ऐसे तीन वे में भी करते हैं ऐसे गुजरात में हमारा एक दोस्त है वो लोग ज्यादा करते हैं हमारा यहाँ पे इतना स्वाप नहीं है फिर भी है थोड़ा बहुत ये ब्लड ग्रुप जो अगर मैचिंग नहीं हो पाता है ये स्वाप ट्रांसप्लांटेशन भी एक ऑप्शन है हमारे पास देखिए किड मैंने पहले बताया किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ रहता है और इसमें क्या चाहिए हमको ये अपना दिल से देना चाहिए ऐसे नहीं रिश्ते से मतलब पैसा से खरीद ले दिल से देना चाहिए और उसको पता होना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस है डायलिसिस एक ऑप्शन है ये होना चाहिए और रिस्क क्या है और बेनिफिट क्या है ये भी पता होना चाहिए उसका दिमाग से सही से देना चाहिए क्योंकि वो देने से पहले सारे फॉर्म होता है जी अपना मर्जी से मैं दे रहा हूँ कुरदे ये होना चाहिए और उसको उसका लेने का बात ही कॉन्सेंट लेने का बात ही करते हैं तो कौन सा पेशेंट हमको नहीं दे सकते कि मतलब जो पेशेंट किडनी फेल है और कौन सा पेशेंट हम नहीं दे सकते अगर किसी को कैंसर है उसको हम किडनी ट्रांसप्लांट जनरली नहीं करते हैं कोई पेशेंट को पूरा इन्फेक्शन बहुत ही लंबी कारण से इन्फेक्शन है उसको भी नहीं करते नहीं तो कुछ इतना हार्ट बीमारी है जो रिवर्सेबल नहीं है बहुत ही प्रॉब्लम है उसको नहीं कर सकते और कोई दिमाग का बीमारी है वो दवाई ले नहीं पाएगा ठीक से उसको देने का कोई फायदा नहीं है नहीं तो बहुत ही लंबे उम्र 80-90 साल हो गया किसी को वो दे नहीं सकते कैसे किडनी ऐसे मैंने ऑलरेडी बता दिया इसको जे हम किस किस ऐसे लेकिन हमारा इंडिया में अभी तक 95 परसेंट जो है ये लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन ही होता है और जो काड़ाभर है वो पाँच परसेंट स्पेन में देखो वो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ही कारण है जे हमारा रिलीजियस बिलीफ है हमारा आ, मतलब जो फाइनेंशियल जो गरीबी और अमीरी इसका गेप ज़्यादा है और स्पेन में क्या होता है कोई एक पेशेंट हुआ पेशेंट अगर एडमिट हुआ रिलेटिव को बिना पूछ के वो किडनी ले सकते इनका रूल में लिखा हुआ है लेकिन हमारे रूल में ऐसे नहीं है रिश्तेदार का बिना पूछ के हम ले नहीं सकते ये सारे बहुत ही सारे कारण हैं इसकी वजह से हमारा मतलब ट्रांसप्लांटेशन जो कारागर ट्रांसप्लांटेशन कम है ये देखिए इतना नॉर्मल कितना ट्रांसप्लांट हमारा होता है पर ईयर डिजीज डोनर ऑलरेडी मैंने बता दिया जो जो पेशेंट अगर ब्रेन डेड हो जाता है उसको लेने के लिए इसमें ट्रांसप्लांटेशन एक जन कर नहीं सकता इसमें सारे कुछ जो अगर काढ़ा भर होता है सारे टीम जैसे काम करते हैं हमारा जनरली कोई रिश्तेदार राजी हुआ रात भर सोते ही नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल एक गुजरात से किडनी आया दिल्ली नहीं तो एक बार हुआ हमारा जयपुर से किडनी आया उसमें पुलिस भी एक्टिवेट हो जाती है इसमें ट्रैफिक भी हो जाए पेशेंट डॉक्टर एन सर्जन उसमें फ्लाइट आएगा तो उसके लिए फ्लाइट के लिए स्पेशल बंदोबस्त हो जाती है ये सारे आ, मतलब कारण से हमारा ये सारे सफल हो पाता है जो काटाफट का प्रोग्राम प्रो, 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 तो आ, हम किसमें ये किडनी का जो आ, आ, कौन सा डोनर किडनी दे नहीं सकता अगर किसी को इन्फेक्शन बार बार है और किसी का ब्लड प्रेशर है जे एक दो दवाई से भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है किसी का अगर पेशाब में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है वो कैंसर है साइकैट्री इलनेस है उस वो नहीं दे सकता किडनी इससे पहले हमको क्या करना चाहिए अगर अब एक पेशेंट आते हैं एक पेयर रिसिपियेंट जो किडनी लेता है जो किडनी देता है पहले जाते हैं वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है हर अस्पताल में एक ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स होते हैं वो दिखाने से काफ़ी पहला तो है ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं इसके बाद बहुत सारे जांच होते हैं पेशाब का जांच एक्सरे और अल्ट्रासाउंड उसका किडनी का कितना काम करता है वो देखते हैं शुगर का जांच वायरल कोई इन्फेक्शन है तो नहीं वो सब कुछ छानबीन करके जांच किया जाता है लास्ट होता है जो टिश्यू टाइपिंग उसका टिश्यू को टिश्यू मैच होता है नहीं मर रहता है उसका बाद क्रॉस मैचिंग ये करने की बात ही अगर वो ठीक से मैच होता है तब देते है, अभी हुआ अगर मैच नहीं भी हुआ तभी भी उसका दवाई से निकल ये एच एक जो है शरीर में वो रेगुलेट करता है जो कैसे हम किसको दें किसको ना दें देखिए ऑपरेशन दो तरह ऑपरेशन करते हैं मतलब एक तो ओपन मतलब पूरा देख बड़ा वाला कैसे निशान है वो काट के उससे किडनी निकाल देते दूसरा है लेप्रोस्कोपी के लिए भी ये हो सकता है ये किडनी और दवाई देते हैं उसके बाद दवाई के बिना नहीं किडनी बच नहीं सकता क्योंकि शरीर का प्रतिरोध शक्ति है ये प्रतिरोध शक्ति को बंद करने के लिए कम करने के लिए उसको दवाई देना पड़ता है उसको इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं जनरली तीन इमोनोसप्रेशन ड्रग जनरली हम देते हैं ये इसका दवाई का भी कुछ कुछ नुकसान है वो नुकसान को हमको पहले से ही पेशेंट और डोनर डिसिपेंट सारे को हम बता देते हैं भाई ये ये प्रॉब्लम हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है आपका किडनी में खराब भी हो सकता है रिजेक्शन भी हो सकता है इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है अगर हम ट्रांसप्लांट जो कर दें इसमें सर्जरी के टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशन होता है पेशाब में थोड़ा खून आना और पे उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाना कुछ ब्लड फ्लो मतलब कुछ और सेंगुनेस कुछ हो जाता है जो कलेक्शन ब्लड में हो जाती है नहीं तो कुछ रिजेक्शन हो सकता है जो काम नहीं किया तुरंत हो सकता है किडनी आपने लगा दी किडनी काम नहीं किया आजकल के दिन में ये सारी चीज कम होती है लेकिन ये कॉम्प्लीस है इन्फेक्शन बहुत सारे वायरस इन्फेक्शन हो सकता है लेट स्टेज में उसको कैंसर होने का भी चांसेस है बहुत ही कम चांसेस है ये है ये सारे प्रोसेस में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का रोल सबसे अहम है ये ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर लाइव जो हमारा जो देते हैं पहले उसका उसके ही सारे जांच करके पूरा प्रक्रिया को वो लेता है डॉक्टर्स के पास जो ऐसे ऐसे इसका जांच हुआ ऐसे ऐसे इसका सारे सर्जन को न्यूरोसर्जन को और एनेसिस्ट को कोई भी केस को वो सारे को बुला के इकट्ठा करके फिर ये प्रोसेस को बढ़ाता है पेशेंट का रिश्तेदार पेशेंट का रिश्तेदार का कब हुआ क्या नहीं हुआ और पेशेंट को अगर लाइव होता तो पेशेंट को भी बताता है ये सारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है की पर्सन इसके बिना ट्रांसप्लांट कहीं हो ही नहीं सकता हमारा इंडिया में हमारा चले हुए जो नोटो एक है सफदरजंग हॉस्पिटल में ये सारे कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जे इसमें प्रमोट करते जैसे हमारा काडावेर प्रोग्राम इंडिया में ऐसे काडावेर प्रोग्राम कैसे हम आगे बढ़े कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो अभी तो मैं से जैसे बताया लेस देन पाँच परसेंट हो रहा है उसको बढ़ना चाहिए पब्लिक का जो अवेयरनेस पब्लिक का जागरूकता इसके लिए बहुत ही जरूरी है और हर स्टेट में एक रोटो होता है रीजनल ऑर्गन और और सोटो ये तीनों सारे होता है पहला इसको कैसे कंट्रोल होता है पहला हमारा नाइन्टीन में जो एक्ट तो, एक्ट तो हमारा पार्लियामेंट में पास किया गया उसी की रूल के हिसाब से जो सारे चल रहा है लेकिन आप देखिए के बाद इसके दो हजार आठ आप सुने होंगे गुप्ता सम, वो मतलब पैसा लेके ज्यादा से ज्यादा ये इसको लिया, इसको लिया गुरुगांव में हुआ था सारे इसके बाद इतना दिन की बात ये एम हुआ रूल को स्ट्रिक्ट बना गया इसके बाद 2011 में 2014 में भी ये सारे हुआ अभी क्या हुआ इसको ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू भी टिश्यू तिस्व भी उसमें इंक्लूड करा किया गया इसलिए इसको नाम अभी ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू एक्ट कहला जाता है तो आ, मैं मतलब इसका पूरा सारांश ये है जो जागरूकता बहुत आवश्यक है अंगदान है ये जीवनदान है बस इतना मैं कह के मैं अपना थैंक यू थैंक यू सर फॉर ए वैल्यूबुल स्पीच हमारे पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जागरूक करने के लिए बहुत शुक्रिया जो भी सारे मौजूद हमारे पेशेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कुछ हमारे एस्टीम पैनलिस्ट से कुछ सवाल हैं या कोई डाउट्स हैं तो अभी पूछ सकते हैं जैसे पहले मैं थोड़ा जो लोगों ने पूछा है ऑनलाइन उसका जवाब दे दूँ तो एक महाशय ने पूछा है कि उनका पिताजी उनसठ साल के हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है उन्हें क्रैटन 1.9 है और एच बी वन सी साढ़े छः है और उन्होंने एक प्रोग्नोसिस पूछा है मतलब आगे जाके क्या हो सकता है बहुत ही अहम सवाल है उन्होंने जो पूछा है तो उन्होंने ये नहीं लिखा है कि डायबिटीज़ कितने साल से है ब्लड प्रेशर कितने साल से है तो ये जानना ज़रूरी है हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि यूरिन में प्रोटीन कितना जा रहा है ताकि हमें पता चले कि और बीपी कंट्रोल कैसा है ये दोनों चीज़ जानना जरूरी है पर इतना हम जरूर कह सकते हैं कि उनका जो एच बी सी है लगभग ठीक है हम चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर उनका एक सौ रखे रखें हमेशा रेगुलर चेकअप करें अभी सीके थ्री स्टेज में है तो अगर हम उन्हें सही बीपी का दवाई दें और आजकल जो नए दवाई आए हुए हैं डायबिटीज़ के एच डी एल टू और रास ब्लॉकर्स जो हम कहते हैं टेलमा जैसे दवाइयाँ तो उससे हम जरूर इसका रोकथाम कर सकते हैं प्रोवाइडेड और रेगुलर चेकअप करते रहें और बीपी और शुगर कंट्रोल में रखें नेफ्रोलॉजिस्ट को रेगुलर दिखाएं बिकॉज ऑलरेडी स्टेज थ्री ए या थ्री बी हो चुका है उन्हें उनसठ साल के हैं तो प्रोग्नोसिस अभी भी ठीक है इतना बुरा नहीं है आ, क्योंकि एक बार जब स्टेज फोर होता है तब उसको आप रोक नहीं सकते तो अभी भी वक्त है इन्हें एक और महिला ने यह पूछा है कि पानी और नमक कितना लेना चाहिए गुर्दे के मरीज को बहुत अच्छा सवाल है मैंने डिटेल में कहा नहीं तो मैं पहले ये बताऊंगा कि जैसे नाटक में बताया उन्होंने कि पेशाब कभी पीला नहीं होना चाहिए पेशाब हमेशा साफ रहना चाहिए कहते हैं ना हिसाब और पेशाब दोनों साफ़ होना चाहिए तो ऐसा पानी पिए कि पेशाब हमेशा साफ हो तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्मियों के दिनों में आपको ज़्यादा पानी पीना होगा ताकि कम से कम दो लीटर पेशाब हमेशा निकले ट्रांसप्लांट पेशेंट को ज़्यादा पानी पीना पड़ता है उनका वो अलग है लेकिन नॉर्मल इंसानों को कम से कम दो लीटर पेशाब निकलना चाहिए उस हिसाब से पानी पीना जरूरी है मतलब गर्मियों के दिनों में हो सकता है तीन लीटर पानी पीना पड़े सर्दियों के मौसम में कम पानी पीने से भी काम चल जाएगा एज़ फार एज़ सिक्यूडी पेशेंट्स आर कंसर्न वहाँ थोड़ा अलग है इसलिए मैंने दिखाया मैंने कि वेट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है तो वेट मॉनिटर करना जरूरी है कि वेट बढ़े ना एक यूरिन आउटपुट का एक मेजरमेंट रखें कि कितना पेशाब होता है चौबीस घंटे में उस हिसाब से पानी पिए ताकि वज़न न बढ़े क्योंकि वज़न बढ़ना डे टू डे बेसिस में इसका मतलब है शरीर के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और ये डायलिसिस पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है कि उनका जो दो डायलिसिस के बीच में वज़न डेढ़ किलो से ज़्यादा ना बढ़े उनमें तो ज़रूर बढ़ेगा क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा है बात है अभी नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है नमक एक दुश्मन है जितना कम ले उतना अच्छा है ये देखा गया है कि जिन देशों में नमक नहीं उपलब्ध है जैसा आलास्का वगैरह स्कीमोज उनको नमक मिलता ही नहीं है उनमें बीपी बढ़ता ही नहीं है तो किडनी के लिए नमक निकालना एक बहुत बड़ा लोड है एक भारी पड़ जाता है किडनी के लिए तो फिर भी हम तो नमक के बिना हम जी नहीं सकते हैं तो हमारे जो गाइडलाइंस है इसके मुताबिक ये बताया गया है कि एक चम्मच नमक ना पाँच ग्राम नमक उसमें दो ग्राम सोडियम है मैक्सिमम उतना नमक लें तौर पर हम ज़्यादा नमक लेते हैं ऐसे छः सात आठ ग्राम नमक हम चौबीस घंटे में लेते हैं तो ज़रूरी है कि दो ग्राम सोडियम यानी पाँच ग्राम सोडियम क्लोराइड वो चम्मच उससे कम लेना चाहिए जिनका बी कंट्रोल नहीं हो रहा है उनको तो और भी कम लेना चाहिए क्योंकि नमक के वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है बट तो ऐसा देखा जाए तो मैक्सिमम वन टीस्पून ऑफ सॉल्ट और यस शुगर सॉल्ट तो बता दिया मैंने एक ने पूछा है कि स्लीपिंग लेट नाइट कैन एफेक्ट किडनी हेल्थ देखिए लेट नाइट सोना वैसे भी अच्छी बात है नहीं इट हार्म्स द बॉडी सब तरीके से नुकसानदायक ही है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है छः घंटा सोए साढ़े दस ग्यारह बजे से पाँच छः बजे तक वही ठीक है लेकिन आजकल वर्क रूटीन थोड़ा अलग है तो मुश्किल हो जाता है सो ओवरऑल हेल्थ के लिए खराब है बीपी भी बढ़ जाता है शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं होता है तो मेरे हिसाब से तो सात घंटा कम से कम सोए जल्दी सोए अच्छा अभी और बाकी कोई सवाल है तो प्लीज़ नहीं आपने बिल्कुल सही कहा इसलिए तो वर्ल्ड किडनी डे पंद्रह सोलह साल पहले शुरुआत किया गया था ताकि अवेयरनेस बढ़े और हर इंस्टीट्यूट को ये प्रोग्राम करना चाहिए इसलिए टीवी प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं कि पहले ये नहीं होता था देखिए एच एड्स कैंसर इनका तो बहुत टी प्रोग्राम्स होते हैं कैंसर वो भी इम्पॉर्टेंट है ज़रूरी है लेकिन उर्जे लोगों इतना नहीं मालूम था लोगों के पास लेकिन अभी धीरे धीरे हो रहा है और हम चाहेंगे कि और ज़्यादा ऐसा टी वी प्रोग्राम्स हो और साल में एक बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है वो भी सही बात है तो और ज़्यादा करना चाहिए और इस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से जो जनरल प्रैक्टिशनर्स और फिजिशंस हैं उनको भी ये सब चीज़ बताना कि सही वक्त पे, पे पेशेंट हमने कितने बार देखा है इतना इतनी मोटी फाइल होगी उसमें दुनिया भर के टेस्ट होगा लेकिन यूरिन का जांच नहीं होगा तो ज़रूरी है कि उनको भी बताया जाए कि वो सही वक्त पे यूरिन का जांच करें क्रिएटन अगर दो से ज़्यादा हो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजें तो अवेयरनेस एस टू कम एट एवरी लेवल पब्लिक द जनरल प्रैक्टिशनर्स फिजिशंस तो तब जाके कुछ हो पाएगा बट इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड ओवर डिफिकल्ट इसीलिए तो सिक्योरिटी बढ़ रहा है ना सभी जगह ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन करना जरूरी है देखिए ये जो ट्रांसप्लांट किडनी है आपका ये तो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है ना तो प्रॉब्लम्स तो इसमें काफ़ी हो सकते हैं इसलिए तो रेगुलर चेकअप करना जरूरी है हम कहते हैं कि शुरुआत में वीकली आना है फिर दो हफ्ते में एक बार फिर महीने में एक बार क्यों क्योंकि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो इसका रिजेक्शन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है तो दैट इज़ वन कि बॉडी कभी भी उसके खिलाफ हथियार उठा सकती है आई मीन बॉडी कैन लुक आउट एज ए टेररिस्ट कि कौन आ गया मेरे अंदर ना इसको निकालो तो हमें तो उसी को बचाना है इन्फेक्शन का एक चांस है तो आई मीन दैट इज़ देयर तो रिजेक्शन इन्फेक्शन एक बहुत डिफिकल्ट uh, है आपको जो बेसिक डिजीज है ल्यूपस है वो मोस्ट लाइकली उसके अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वेट बढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि ना ट्रांसप्लांट पेशेंट से जो दवाई लेते हैं ना प्रेगनिसोलोन और बाकी दवाई उससे वेट भी बढ़ सकता है भूख ज़्यादा लगने लगती है तो आपको वेट बनाए रखना है बीपी कंट्रोल रखना है और रेगुलर चेकअप के लिए आना है एंड देन यू कैन होप फॉर द बेस्ट बट फाइनली एक फॉरेन ऑर्गेन है तो ऐसा इंडेफिनेट चलेगा ये भी नहीं बता सकते हम सो आई मीन रेगुलर लेकिन ये भी मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि हमारे यहाँ एक पेशेंट है उसका अभी फोर्टी थ्री ईयर तैतालीस साल हो चुका है और अभी भी बिल्कुल फिट है तो हम चाहते हैं कि हर कोई ऐसा हो कि कम से कम बीस तीस साल एक किडनी से एक इंसान ने लिखा है कि वॉट क्यों यंग युवाओं में क्यों बढ़ रहा है सी बढ़ रहा है बिकॉज वही जैसे मैंने कहा कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं मोटापा बढ़ रहा है शुगर बढ़ रहा है इन यंग बीपी बढ़ रहा है इसीलिए बढ़ रहा है तो अभी ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वेट कंट्रोल में रखा जाए एक्सरसाइज किया जाए और ब्लड प्रेशर कम से कम दो साल में एक बार चेकअप करना वैसे भी ज़रूरी है मैं पूछूंगा आप जेनरिक मेडिसिन किसको बोलते हैं नहीं वो अगर आप देखिए जेनरिक मेडिसिन भी जो मार्केट में आती है जो हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट से अप्रूव होके आती है तो इसलिए उसकी कॉस्ट ब्रांडेड मेडिसिन से बहुत सी रीजन से कम होती है अदरवाइज मेडिसिन में कोई खराबी नहीं है इवन नॉट ओनली इंडिया इवन अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो जेनरिक मेडिसिन ट्रांसप्लाट पेशेंट में इवन वेस्टर्न कंट्री लाइक यूएस यूके में भी जेनरिक मेडिसिन यूज होती है जेनरिक वर्ल्ड पे अगर आप जाएंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है बेटर uh,

कि बहुत ज्यादा नाप तोल के हम लोग नहीं बताना चाहते नहीं तो आप 24 घंटे आप करके डाइट खाते रहेंगे तो आप नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं आएंगे और दूसरी बात आप जिस चीजों की बात कर रहे हैं डायलिसिस के बाद की डाइट दूसरी होती है डायलिसिस पहले की डाइट दूसरी होती है बहुत सारे मरीज अगर कुछ नहीं खा रहे हैं और उनका वेट लॉस हो रहा है तो हम लोग भी अक्सर कहते हैं कि

के बाद दवाइयों का क्या साइड इफेक्ट होते हैं देखिए कॉमन तो है इंफेक्शन है जनरली इन्फेक्शन है कॉमन कॉज और नहीं तो फिर उसका मुंह में शक्ल में कुछ कुछ दवाई का कुछ हो जाती है मतलब मुंह में हो जाती है नहीं तो कुछ टीरोड के कारण ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाती है शरीर सूजन हो जाती है मुंह फूल जाती है ये सारे एक एक तीन दवाई जनरली देते हैं हम एक एक दवाई का एक एक कॉम्प्लिकेशन जनरली होता है डॉक्टर महाजन आपके लिए एक सवाल है उन्होंने पूछा है कि मेरा डायलिसिस चौदह साल से चालू है हफ्ते में तीन बार लेकिन पीटीएच बढ़ गया था उसकी टैबलेट चालू है लेकिन मुझे पैरों में बहुत दुखना है बैठ नहीं पा रहा हूँ और इसके लिए क्या करें डायलिसिस पेशेंट तो चौदह साल का है और दर्द है पैरों में पीटीएच बढ़ा हुआ है देखिए पीटीएच की मात्रा किडनी डिजीज में हमेशा बढ़ती है और डायलिसिस पेशेंट्स में कई बार पीटीएच काफी बढ़ जाता है इसके लिए जांच करनी चाहिए देखने के लिए कि ये पीटीएच की जो मात्रा बढ़ रही है ये एप्रोप्रिएटली बढ़ है ठीक किस्म से बढ़ है मतलब कैल्शियम कम है इस वजह से पीटीएच बढ़ रही है या अब जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो बिना वजह ही ज़्यादा पीटीएस बनाया जा रहा है जिसकी वजह से आपको दर्दें हो सकती है बॉडी पेन्स हो सकते हैं तो जहाँ भी आपकी डायलिसिस यूनिट है वहां के डॉक्टरों को इसके बारे में जानकारी दे हो सकता है वो कुछ पैराथॉराइड के स्पेशल टेस्ट कराए नेक का अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं देखने के लिए कि पैराथॉराइड की प्रॉब्लम है या ये सिर्फ पी टी इस वजह से बढ़ा है कई किस्म की आजकल दवाइयाँ आई हैं जो पैराथॉराइड हार्मोन को पैराथॉराइड की सिक्रीशन को कम कर सकती हैं

एंड उसका एन एस आई डी कहते हैं एंड गुर्दों के लिए बहुत ही हानिकारक है तो वो लेना ठीक नहीं है कभी कभार एक ले लिया ठीक है तो इन्होंने पूछा है टॉपिकल डाइक्लोफनैक्ट टॉपिकल मतलब जो चमड़ों पे लगाया जाता है लोकल लगाया जाता है आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग एंड उसका इतना एब्जॉर्बशन नहीं होता है सो आई मीन हम ऐसे जनरल कह सकते हैं दैट इज रीजनेबली सेफ कि टॉपिकल लगाए जिन बेचारों का इतना आर्थराइटिस है दर्द है वो क्या करें है ना तो आई I मीन mean, हम कहते हैं कि पेन किलर्स नहीं लो तो टॉपिकल तो फिर भी लगा सकते हैं तो मैं ये बताऊंगी ले सकते हैं हेवी एंटीबायोटिक कैन कॉज सीकेडी देखिए ऐसा है आई मीन एंटीबायोटिक्स भी कई प्रकार के होते हैं कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो सीकेडी हो सकता है लेकिन आमतौर पर जो तीन चार दिन एंटीबायोटिक दिया जाता है सर्दी जुकाम के लिए शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक उससे आमतौर पर नहीं होता है लेकिन जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद इंजेक्टिवल एंटीबायोटिक्स बहुत लंबा अगर दिया गया है, तो हो सकता है बट अदरवाइज आम जनता के लिए तीन चार दिन का ओरल एंटीबायोटिक लगभग कुछ भी लेना आई थिंक इट्स ओके क्यों दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक ने पूछा है कि एंड स्टेज सीकेड़ी पेशेंट्स में इन समर्स व्हाट शुड बी द डिफरेंस अलाउड बिटवीन डेली फ्रूड एंड एंड आउटपुट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग एंड स्टेज सिक्योरिटी देखिए एंड स्टेज सिक्योरिटी मतलब दे आर डायलिसिस डिपेंडेंट इट इज सिंपल बात है मीन्स एंड स्टेज मतलब दे नीड आर मतलब जैसे डॉक्टर महाजन ने समझाया कि दे नीड आई दैट एच और पी तो एच का जैसे मैंने कहा कि दो एच के बी अंतर में डेढ़ किलो से ज़्यादा वजन नहीं बढ़ना चाहिए डेढ़ से दो मैक्सिमम सो वेट गेन उतना रखे अपने पानी का मात्रा उतना ही पिए कि दो किलो से ज्यादा वजन बिल्कुल ही ना बढ़े लोग आते हैं तीन चार तीन, चार किलो बढ़ा के आ जाते हैं डायलिसिस तो उतना तो बढ़ना नहीं चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन शुड दी आउटपुट बी मोर और इनपुट मतलब आई थिंक मीन्स नो आउटपुट तो मोर नहीं होगा ना आउटपुट इनपुट समझ थोड़ा कम होगा क्योंकि हम पाँच सौ एम हमारा पानी तो लंग्स में और स्वेट में ना उसमें भी निकलता है ना तो आमतौर पर थोड़ा कम ही रहता है पाँच सौ तो कम रहता है आउटपुट इनपुट से अच्छा डॉक्टर आप ज़रा ये बताएं कि आपका विचार क्या है वोट आर्टिफिशियल किडनी अंडर रिसर्च

अगर ये प्रणाली हम कंटिन्यूसली कर पाए जैसे हम वेरिएबल किटी कह रहे हैं की जा सकती है काफी रिसर्च इस पे चल रही है काफी काफी मॉडल्स आर्टिफिशियल किडनी के एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुके हैं लेकिन अभी नियर फ्यूचर में ऐसी कोई प्रणाली नहीं जो एकदम आके सब कुछ बदल दे अभी मेनली ये दो ही किस्म के डायलिसिस रहेंगे हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी में टेक्नोलॉजी के साथ साथ कमिटमेंट आप लोगों की भी उतनी ही रहेगी मरीज की भी उतनी ही रहेगी ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट हो जाएगी कि आप कहीं भी जाके डायलिसिस किसी भी घर पे ही रह सकते हैं और हीमोडायलिसिस कर सकते हैं बट अभी ये दूर है अभी ये कुछ स्थिति दूर है हाँ, <laughs> बेटर यही होता है कि जो आप नॉर्मल नमक लेते हैं उसी की क्वांटिटी कम करें बजाय कि दूसरा नमक की इंक्रीज क्वांटिटी या जितनी पहले ज्यादा हैं उससे कोई फायदा नहीं उसके अपने नुकसान होते हाँ तो फिर उनको समझाने के बाद भी अगर वो लेते हैं फिर फिर वही प्रॉब्लम में आते हैं तो बेटर ये है कि जो नॉर्मल नमक है सॉल्ट उसी को लें क्वांटिटी में जितना आपको रिस्ट्रिक्शन पानी वो फिर होता ही है कि वो एक एक दिन से शुरू होते होते फिर वो डेली हो जाता है तो इसलिए बेटर है वो एक दिन वाला चक्कर भी नहीं रखें उसको नहीं लें हाँ मैं यही बताऊंगा मैं आई I मीन mean, जो आपके बाकी नमक है नॉर्मल नमक छोड़ के उन सब में ना पोटेशियम ज़्यादा होता है ये जो पोटेशियम ज़्यादा 50 परसेंट पोटेशियम होता है उसमें 50 परसेंट सोडियम है हाई पोटेशियम बहुत बढ़िया है हार्ट के लिए इसमें कोई शक नहीं है सो इसलिए खाना आम तौर पर अच्छा है लेकिन जैसे मैंने कहा कि गुर्दों के बीमारी में इन मरीज़ों को ना पोटेशियम निकलना मुश्किल हो जाता है इनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है जैसे मैंने कहा कि हाई पोटेशियम इन ब्लड ना हार्ट बिल्कुल रुक जाएगा तो इसीलिए हम मना करते हैं कि ये सब बाकी सॉल्ट्स बिल्कुल ही ना लें जस्ट नॉर्मल सॉल्ट कम से कम लें तीन चार ग्राम लें अच्छा एक लेडी ने पूछा है कि सिक्योरिटी पेशेंट्स को क्या क्या नहीं खाना चाहिए गुड क्वेश्चन तो हम एक नॉर्मल कहते हैं क्या नहीं खाना चाहिए एक तो हम ये कहेंगे कि ये जो बाकी लो सोडियम सॉल्ट्स है वो नहीं खाना चाहिए बिल्कुल ही नहीं कोक वगैरह बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए है ना क्योंकि उसमें फॉस्फेट ज़्यादा है काजू बादाम किशमिश उसमें भी फॉस्फेट ज़्यादा है तो वो भी अवॉइड करना अच्छा है एंड बाकी तो जैसे मैंने कहा कि जैसे हमने कहा वैसे प्रोटीन्स सॉल्ट शुगर उस हिसाब से लेना है बट कोक काजू बादाम किशमिश और लो सोडियम सॉल्ट ये तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए कौन सी दाल नहीं खाना चाहिए ऐसी बात है नहीं बट ओनली थिंग हम कहते हैं कि छिलके वाले दाल है ना उसमें फिर पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि सारे दाल है ना थोड़ा पानी में लीचिंग करके पोटेशियम निकाल के लें तो वो, वो मना करते हैं और बाकी डाइडिशन के साथ एडवाइस लेके अब प्रोटीन कितना लेना है ना वो कैलकुलेट करके लेना चाहिए बट ऐसा कोई दाल नहीं है जो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए लेकिन जो छिलके वाले दाल है नॉर्मली हम उसे मना करते हैं

और उसे जितना उठा सकता है इसे उसका पर कुछ है ही नहीं अपना हिसाब अपना जितना शक्ति है उतना उठा सकता है और एक मार्शल ने पूछा कि वर्ल्ड किडनी डे 10 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है नहीं ऐसी बात नहीं है 10 मार्च को ही नहीं मनाया जाता है मार्च में एक सेकंड थर्सडे दूसरा थर्सडे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है तो हर साल ये बदलता रहता है सो तो आठ मार्च से तेरह मार्च के बीच में कोई भी आ सकता है सो so, हर साल एक चेंजिंग है सेकेंड थर्सडे, right? इस साल सेकेंड मार्च को इसलिए हम 10th मार्च को मना रहे हैं आई नो इनवाइट डॉक्टर आर के यादव एक वोट ऑफ थैंक्स दिया जाए सबको आर के सभी को नमस्कार शायद ऑडियंस बड़े कम रह गए हैं पूरे दिन एग्जॉस्टिंग हो गया है मैं सबसे पहले जब डीएम एम्स करने आया था तो डॉक्टर अग्रवाल सर डॉक्टर बोमिक सर वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं आर अबाउट टू के साथ डॉक्टर हिमांशु के साथ टाइप हुआ है फोर्टीन में हुआ है शायद आर के साथ एसोसिएशन में हम कर रहे हैं तो डॉक्टर बोमिक सर का डॉक्टर अग्रवाल सर का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है अवेयरनेस के रिगार्डिंग तो जितने भी आप सभी आए हैं उनका डिपार्टमेंट ऑफ नेफरोलॉजी की तरफ से थैंक्स और मैं डायरेक्टर सर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के लिए इधर आए और हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग है उन्होंने पूरे दिन में आज काफ़ी एक्टिविटी की है तो पूरा डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी उनका थैंक्स करता है और मैं अब सभी को चाय के लिए इन्वाइट करता हूँ थैंक यू वेरी मच